हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाए गए नए रिकॉर्ड, जो कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने लाल फहराया है, तो उस पर ये बनाए रिकॉर्ड हैं। ठीक है, चलिए हम आज के जीके की शुरुआत करते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर नया रिकॉर्ड बना, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम मोदी ने 7वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने जो अब की बार 74वीं स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया है, वो लाल किले पर उनको कौन सा 7वीं बार होगा, तो अटल जी को पीछे छोड़ दिया। यानी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, छोड़ा। नेहरू जी ने सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराया था, यानी कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो कि नेहरू जी थे, उन्होंने कितनी बार फहराया था, 17 बार फहराया था। ठीक है, देखिए चल हम नीचे देखते हैं कि किस किस ने कितनी बार झंडा फहराया है। ठीक है, लाल किले पर 7 बार तिरंगा फहराने वाले मोदी दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं। कौन से बने हैं? दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं। पहले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन 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 ने कितनी बार लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया है। जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने 1967 से 1963 तक प्रधानमंत्री रहे थे, तो उन्होंने कौन सी बार 17 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। इसके बाद आती है कौन? इंदिरा गांधी, उन्होंने 1966 से 1976 तक रही थी, फिर इसके बाद 1980 से 1984 तक रही थी, तो इंदिरा गांधी ने कितनी बार? 16 बार फहराया है। फिर आते हैं मनमोहन सिंह, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने 2004 से 2013 तक रहे थे, तो इन्होंने कितनी बार फहराया है? 10 बार फहराया है। फिर आते हैं इसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी, इससे पहले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेकिन अब 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर झंडा फहराकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे हो चुके हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर 2020 तक, यानी 74वीं गणतंत्र दिवस तक, यानी अभी तक उन्होंने 7 बार लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जा चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, 1988 से 2003 तक रहे थे, तो उन्होंने 6 बार फहराया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन है? गैर कांग्रेसी हैं, जिन्होंने अब तक झंडा फहराया है। इसके बाद आते हैं नरसिम्हा राव, यानी पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये हमारे, तो उन्होंने 1951 से 1995 तक शासन किया, प्रधानमंत्री रहे थे शासन में, तो उन्होंने 5 बार झंडा फहराया था। फिर इसके बाद आते हैं राजीव गांधी, जो कि 1985 से 1989 तक रहे थे, उन्होंने कितनी बार? 5 बार ही झंडे फहराए हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कितनी बार हो चुका है? 7 बार हो चुके हैं। ठीक है, आपको ये गुलाबी कलर में ये गैर कांग्रेसी यानी भाजपा की सरकार के हैं, और ये नीले कलर में है वो कांग्रेसी हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि अब तक कितने प्रधानमंत्रियों ने कितनी कितनी बार लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया है। ठीक है, चलिए अब हम इससे आगे जानते हैं। पंद्रह अगस्त की रात से भारत को आज़ादी मिली थी, लेकिन पहली बार झंडा 16 अगस्त को फहराया गया था। यानी 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में हमारे देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन झंडा उस रात फहराया जा चुका था, लेकिन पूर्ण रूप से झंडा कब फहराया गया था? 16 अगस्त को फहराया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। गुलजारीलाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्हें लाल किले पर झंडा फहराने का मौका नहीं मिला। यानी कि गुलजारीलाल नंदा जी और चंद्रशेखर जी ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने लाल किले पर इन्हें तिरंगा झंडा फहराने का मौका नहीं मिल पाया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 74वीं स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर 7वीं बार तिरंगा फहराया है। इसके साथ मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पीछे छोड़ दिया है। अटल जी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 6 बार लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया था। लाल किले पर सबसे
ज़्यादा बार तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में मोदी जी चौथे नंबर पर आ गए हैं। कौन से नंबर पर आ गए हैं? ये चौथे नंबर पर आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि 34वें दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ दिया है और प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में अभी कौन से चौथे नंबर पर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए हम इसके और आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज़्यादा 17 बार लाल किले पर झंडा फहराया था। प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज़्यादा बार, यानी इन्हें ऐसा अवसर मिला है जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार लाल किले पर झंडा फहराया, कितनी बार? 17 बार फहराया था। दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी थी जिन्हें 16 बार यह मौका मिला था, यानी इंदिरा गांधी जी को कितनी बार? 16 बार मौका मिला था। जबकि मनमोहन सिंह 10 बार, 10 बार इन्होंने झंडा फहराया था। और तीसरे नंबर पर हैं ये कौन? मनमोहन सिंह जी 30 नंबर पर रहे हैं। वहीं राजीव गांधी ने 5 बार, मनमोहन सिंह जी कितने? 10 बार मौका मिला जो कि 30 नंबर पर है। वहीं राजीव गांधी ने 5 बार झंडा फहराया था, लाल किले पर झंडा फहराया था। ठीक है, तो हमने अभी जाना कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार लाल किले पर झंडा फहराया था। इसके दूसरे नंबर पर कौन? इंदिरा गांधी जी ने 16 बार। तीसरे नंबर पर मनमोहन सिंह जी ने 10 बार फहराया था। ठीक है, चलिए देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के बाद लाल किले पर झंडा फहराने की शुरुआत कब से हुई। पहले स्वतंत्रता दिवस यानी 16 अगस्त 1947 को फहराया गया था तिरंगा। 14-15 अगस्त को रात को भारत की आज़ादी मिली थी, लेकिन पहले स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया गया था। ये किसी को ज़्यादातर पता नहीं होता कि क्यों 14-15 अगस्त की रात को ही मानते हैं, लेकिन ये सच है, 16 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया गया था। इसके बाद से ही हर साल लाल किले पर तिरंगा फहराने की परंपरा शुरू हुई। ठीक है, आज हमने जाना कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, आज हमने जाना कि कौन कौन से प्रधानमंत्रियों ने कितनी कितनी बार लाल किले पर झंडा फहराया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम नए रिकॉर्ड बने। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, इससे उन्हें भी ये करंट मिल सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप हमारी वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं सभी वीडियो को, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास कुना MP की प्लेलिस्ट में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।